Hey friends, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is Sana. So friends, today I have come to you with a new makeup video which is about gold glitter eye makeup. I hope you like it. In this video I have used two glitter eyeshadow and the palette name is Urban Decay Naked 6 Chocolate Smoky Eyeshadow Palette. So as a reward, we will start the video without wasting our time. But if you are visiting my channel for the first time, please subscribe my YouTube channel and don't forget hit the bell icon. So friends, आज का जो makeup tutorial है वो काफ़ी change है. I mean to say कि इसमें जो मैंने makeup की जो techniques है और makeup का जो format है वो मैंने change किया है इसके अंदर. तो और आज मेरा foundation देख रहे होंगे बिल्कुल fix हुआ हुआ है. ये जो foundation मैंने apply किया है अपनी skin tone से थोड़ा सा वन शेड जो है वो लाइट है, मतलब जो है मेरा कॉम्प्लेक्शन जो है उसके हिसाब से जो है थोड़ा सा फेयर कलर यूज़ किया है मैंने. और आज इस मेकअप में मैंने लाइनर अप्लाई नहीं किया है, जैसे कि मैं विंगेट लाइनर अप्लाई करती हूँ अपने मेकअप में. सो विदाउट लाइनर भी अगर आप इस तरह का मेकअप करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं. ये थोड़ा सा मैंने शेड अप्लाई किया है, तो ये शेड मैंने किस तरह से लगाया है ये आपको वीडियो में दिखेगा. और मैं जब अपने यूट्यूब के चैनल्स पर जो है न्यू वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत अच्छी लेटेस्ट पोस्ट अपडेट करती रहती हूँ. सो मेरे चैनल जितने भी सोशल नेटवर्क अकाउंट्स हैं उनका लिंक जो है आपको मेरे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ केयरस के एनी लोशन से, जो मैं एज यूजुअल यूज़ करती हूँ. सो अपनी फिंगर से मैंने थोड़ा सा अपने चेहरे को जो है मॉइस्चराइज़ कर लिया अपने फेस को. उसके बाद मैं आज जो फाउंडेशन है वो चेंज कर रही हूँ. मैं फिट मी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. यही मैंने आपको फाउंडेशन बताया था, थोड़ा सा जो है वो लाइट शेड है. इसका नंबर जो है 110 है. सो आज मैं ये वाला फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ. तो मैंने वन ड्रॉप जो है अपनी चीक्स पर लगाया है और सेकेंड वाले पर, चिन पर और फॉरहेड पर. उसके बाद आपको जितना लगाना है अपने फेस पर लगा सकते हैं. फिर मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करूँगी अपने फेस पर. तो अब देखने आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना वाइट है, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो शेड जो है उसका चेंज है. उसके बाद मैं इसे उसका कॉम्पैक्ट पाउडर लिया हुआ है, इससे मैं अपने बेस को जो है वो टैप करूँगी ताकि मेरी थोड़ी सी बेस जो है वो फिक्स हो जाए. बेस को फिक्स करने के बाद मैं अपनी आईब्रो को मेक करूँगी. तो यही मेरा होम मेड आईब्रो पोमेड है जो मैंने ख़ुद से मेक किया है. एक्चुअली इसकी जो पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, इससे बहुत नेचुरल लुक आता है, आईब्रो का फेक लुक दिखाई नहीं देता. सो अब मेरी आईब्रो मेक हो चुकी है. उसके बाद आज हम अपनी आईज़ के ऊपर टेप लगा देंगे यहाँ कॉर्नर पर. सो थोड़ा सा जो है वो फॉर्मेट चेंज है. उसके बाद द कलर वर्कशॉप का ये स्मोकी आई शेडो पैलेट है स्मॉल वाली, इसमें से मैं ब्लैक शेड जो है वो ले रही हूँ. अच्छा, आज मैंने अपनी आईज़ को कैमोफ्लेज नहीं किया, फाउंडेशन से ही मैंने कवर अप कर लिया है. इस तरह से आपको अपने आईज़ के कॉर्नर जो है वो मेक करने हैं एंगल ब्रश से. ये आपका जो है वो लाइनर को लुक हो जाएगा और इसमें आपको लाइनर भी अप्लाई करने की जरूरत है. उसके बाद ये अर्बन डिके की चॉकलेट नेकेड 6 स्मोकी आई शेडो पैलेट है, इसमें से मैं ये गोल्डन वाला जो है शेड लूँगी. ये वाला गोल्डन शेड लिया, इसको मैंने ब्रश से लगाया. ब्रश से लगाने के बाद अच्छा, जो आपको आई शेडो लगाना है, जो आपको आई लाइनर को लुक देना है, उसको आपको इनर कॉर्नर से नहीं लगाना है, सिर्फ आउटर कॉर्नर से लगाना है. उसके बाद ये मैंने शेड अप्लाई किया. चाहे तो आप फिंगर से भी लगा सकते हैं, एक्चुअली फिंगर से ज़्यादा अच्छा टैप होता है. उसके बाद द कलर वर्कशॉप ब्लश ब्लशन जो है मैंने ये लिया है, ये वाला शेड में लगा लिया. एक्चुअली मेरे पास पिंक में मैट फॉर्म में जो है वो आई शेडो अभी है नहीं, फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं जो है ब्लशन यूज़ कर लेती हूँ. इसकी भी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है. तो अब ये मैंने ब्रश से, ब्लेंडिंग ब्रश से अपनी क्रीज को इस तरह से ब्राउन के साथ जो गोल्डन मैंने शेड यूज़ किया था उसके साथ मैंने ब्लेंड कर दिया. उसके बाद ये मैंने ग्लिटर जो है वो ली है, लूज़ फॉर्म में ग्लिटर है, थोड़ी सी थिक है ये. अब मैंने इसको ब्रश से लगा लिया. वैसे तो ये अगर चाहें तो आप इस जो आईलाइनर जो ग्लिटर का जो ग्लू होता है उससे लगती है, लेकिन मैं वैसे ही ब्रश से अप्लाई कर लेती हूँ. उसके बाद मैंने ये टेप को जो है अपनी आईज़ के कॉर्नर से रिमूव कर दिया है. ये इसी तरह से दूसरा वाला आई का टेप जो है वो भी मैंने रिमूव कर लिया है. सो अब उसके बाद हम दोबारा से ये वाला ब्लैक शेड लेंगे. उसके बाद अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई करेंगे. ये हमने वाटर लाइन पर जो है ब्लैक शेड अप्लाई कर लिया है. ब्लैक शेड लगाने के बाद मैं दोबारा से स्मोकी आई शेडो पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड लूँगी. उसको मैं ब्लैक के साथ जो है वो ब्लेंड कर दूँगी. ये डार्क ब्राउन वाला जिससे कॉन्टोर की जाती है, आई मीन जो कॉन्टोर शेड होता है, वैसे तो ये प्राइमरी शेड कहलाता है,
तो अब इसको जो है मैंने इसके साथ ब्लेंड कर दिया ब्लैक के साथ। अब उसके बाद मैंने फिट मी का कंसीलर लिया है ताकि अपनी अंडर आई को मैं कवर अप कर सकूँ, क्योंकि आपको पता है फाउंडेशन के बावजूद भी मुझे डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। अब ये ब्रश से जो है मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है अपनी अंडर आई को। ये स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर फ़ौरन से जो है वो कोई भी आप लूज़ पाउडर या क्या कहते हैं दूसरा वाला जो फेस पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लूज़ पाउडर ही अप्लाई करना पड़े, मैं जो हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा सकती हूँ, उससे भी थोड़ी सी बेस जो है वो मेरी अंडर आई की फिक्स हो जाती है। ये लगाने के बाद मैं जो हूँ द कलर वर्कशॉप का ब्लशन ले रही हूँ। ब्लशन लेने के बाद मैं अपनी चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, मैं जो हूँ जो है एंगल शेप में जो है वो ब्लश लगाती हूँ। आजकल जो लोग ब्लश लगाते हैं वो थोड़ा सा जूसी टाइप स्टाइल में लगाते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये लगाने के बाद मैं द कलर वर्कशॉप को एलिमिनेटर हाइलाइटर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने अपनी चीक्स की बोन पर अप्लाई किया है। अगर आप चाहें तो ईजीली इसको फिंगर से भी टैप कर सकते हैं। आई थिंक फिंगर से मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा टैप होता है। ये अपनी चीक्स बोन पर लगाने के बाद ये मैंने नोज़ बोन पर लगाया है। नोज़ बोन पर लगाने के बाद ये मैंने इनर कॉर्नर पे अपनी आईज़ की अप्लाई की। उसके बाद ट्यूट का मैं मस्कारा ले रही हूँ। मस्कारा अपनी आईलैशेस पर अप्लाई करूँगी। मैंने अभी आईलैशेस जो हैं वो अप्लाई नहीं किए, तो आज मैंने पहले मस्कारा अप्लाई करी ताकि उसके साथ फिक्स हो जाए। उसके बाद अपनी अंडर आई में मैंने ब्लैक काजल अप्लाई किया है। काजल अप्लाई करने के बाद ये मेरे पास डार्क मरून कलर का शेड है। एक्चुअली इसका नेम जो है वो थोड़ा सा विजिबल हो गया, मतलब नज़र नहीं आ रहा मुझे तो शो नहीं हो रहा, इसलिए जो है आई थिंक कोई थोड़ा सा हुड नेम का कोई ग्लॉस है, लेकिन इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही स्टिकी है। ये मैंने लगाने के बाद अपनी आईज़ पर 5D लैशेज लगा लिए। सो ऑलमोस्ट हमारा मेकअप तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो मेकअप मैंने अप्लाई किया है उसमें मैंने थोड़ा सा लिप्स के ऊपर बोल्ड लुक दिया है। वैसे तो मैं थोड़ा लाइट कलर्स भी यूज़ करती हूँ। सो ये आप मेकअप देखें आपको कैसे लगा। मैंने फुल डिटेल में आपको ट्यूटोरियल मेक करके दिखाया है। और मेरी आईज़ में से थोड़ा सा वाटर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जो है मेरी एक आईज़ में स्वेलिंग है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो कभी ऐसा लगता है वीडियो में दिखता है और कभी नहीं। सो अपने सब कुछ मेकअप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आप मुझे बताइए कि आपको मेकअप जो है मेरा कैसा लगा, और आई होप कि आपको ये मेकअप जो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। ये अगर मैं चाहूँ तो मतलब किसी भी गोल्ड ड्रेस पर जिसमें आपका ड्रेस में गोल्डन कलर हो आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं ये मेकअप। तो चले फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो मेरी वीडियोस हैं यूट्यूब के सारी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।